हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नया ब्लॉग में सबका स्वागत करता हूँ। और आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये एक्चुअली एक ऑफ रोड ट्रैवल ब्लॉग बोल सकते हैं आप लोग। अभी आया हूँ मैं घूमते घूमते त्रिपुरा का जो बॉर्डर साइड है, जो बांग्लादेश का एरिया है जहाँ पे कांटातार का बॉर्डर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो मैं खड़ा हूँ ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। और अभी ये मैं पूरा बॉर्डर एरिया से जा रहा हूँ और मेरा इस बॉर्डर का उस साइड में जो है वो बांग्लादेश है, वो जीरो पॉइंट है कांटातार का उस साइड में। मैं थोड़ा बैक कैमरा में भी दिखाएंगे। मैं चल के आ रहा था, ये जो रोड है जहाँ से मैं आ रहा था, ये जो रोड है ये बॉर्डर रोड है। यहाँ से सिर्फ BSF का गाड़ी जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गाड़ी जाता है और नॉर्मली लोग पैदल चल सकता है। और ऐसे ही कुछ मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं जाता है इधर से, ये ऑफ रोड है इसलिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं जाता है। ये जो दीवार देख रहे हैं ये एयरपोर्ट का बाउंड्री है, ये पास में ही एयरपोर्ट है, मतलब ये बाउंड्री है एयरपोर्ट का। अगरतला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है अभी इंटरनेशनल है ये है। और पास में ही आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश का बॉर्डर है, मतलब लगभग एकदम पास में ही है बांग्लादेश का बॉर्डर लागू हुआ। बांग्लादेश का बॉर्डर के साथ साथ ही ये एयरपोर्ट का बाउंड्री है। जाते जाते थोड़ा दूर पहुँच गया और अभी ये टी गार्डन मिल गया है एरिया। ये जो पूरा लोगों को गार्डन दिखाई दे रहा है ये पूरा ही टी गार्डन है, बहुत ही बड़ा एरिया, ये पूरा टी गार्डन है। आगे में फैक्ट्री है जहाँ पे डायरेक्ट चाय पत्ता उठा के टी बनता है, जो हम लोग सुबह शाम चाय पीते हैं उसका जो प्रोसेसिंग्स होता है, ये जो लीव्स को पत्ता को उठा के जो प्रोसेस करके चाय बना जाता है वो फैक्ट्री भी है। ये सामने ये जो सारा फैक्ट्री दिखाई दे रहा है, ये जो शेड दिखाई दे रहा है, चिमनी दिखाई दे रहा है, ये फैक्ट्री है। इसमें प्रोसेस होता है, पत्ता को उठाता है, उसके बाद सुखाता है, उसके बाद जो कुछ प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करता है इधर फैक्ट्री के अंदर। मैं भी इससे पहले का भी ये चाय फैक्ट्री विजिट नहीं किया था और मैंने भी नहीं देखा। ये जो देख रहे हैं बड़ा बड़ा ये डब्बा जैसा बनाया है सीमेंट से, ये पूरा चाय का लीप से भरा हुआ है और ये बहुत ही मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में है और ये ऐसा करके लीप्स को भेज रहा है बैग्स में, मतलब डाल के थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ऊपर में भेज रहा है उधर जो कारखाना है अंदर में चल रहा है उधर में भेजता है। और ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है उधर में वर्कर लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा रहा है, इधर में वर्कर लोग भी काम कर रहे हैं, इधर ये वर्कर लोग काम कर रहे हैं। और ये जो पक्का पत्ता सूख गया है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर चला गया है इससे कुछ दिन रखने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद, तो मॉइस्चर जाने के बाद ये लोग बोरे में डाल रहे हैं। बोरे में डाल के इसके बाद ये जो लिफ्ट है लिफ्ट में भर दे रहे हैं और ऐसे करके भेज रहा है। और ये डायरेक्ट इधर से जो पूरा घूम के इसके बाद इधर से फैक्ट्री के अंदर चला जाता है प्रोसेसिंग के लिए। ये जो लीव्स है ये एक्चुअली ये जो जाली जाली है जैसा है, मतलब नेट जैसा है, इसमें गैप है। और क्या होता है ना, नीचे से जो हवा चलता है, मतलब फैन लगा हुआ है और नीचे से तो नीचे से हवा मारता है ऊपर की तरफ। और उसमें क्या होता है ना, लिप्स का अंदर जो सारा मॉइस्चर रहता है लिप्स का, वो मॉइस्चर जल्दी चल जाता है और मतलब जो पत्ता है लिप्स है ये जल्दी सूख जाता है। तो नीचे से इसलिए जोर मेरा मैं जो हाथ दे रहा हूँ हाथ में फील हो रहा है नीचे से कितना ऊपर में हवा आ रहा है, तो इस हवा की वजह से लिप्स थोड़ा जल्दी सूख जाता है, मॉइस्चर जल्दी हट जाता है इधर से। जब ये मॉइस्चर चला जाता है तो उसके बाद ये लोग प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। ये चाय पत्ता का जो स्मेल हो रहा है इधर से,
इधर से प्रोसेसिंग हो रहा है पत्ता का, ऊपर से जो पत्ता आ रहा है ऊपर में रखता है और इधर से, और इसमें से पत्ता लेज के इसमें डाल रहा है, और ये जो हो रहा है ना ऐसा ही हो रहा है, मतलब जो पूरा स्मैश करके इधर से निकल रहा है। उसके बाद इस पत्ता को इधर से भेजा जा रहा है, मतलब शॉर्ट आउट करके इधर से भेज रहा है। और निकलने का कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद ये जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए, आगे जा रहा है। ये जो रोलर लगा हुआ है इसमें भी स्मैश हो रहा है, पत्ता को छोटा छोटा बना रहा है। वो जो पत्ता स्मैश बन के आया है वो ये जो अनिल मतलब जो घूम रहा है इसके अंदर, इसमें से क्या हो रहा है ना, चाय जैसे चाय का पत्ता हम लोग जो चाय बनाते हैं वो क्या होता है, गोल गोल होता है ना, दाना दाना जैसे होता है, तो वो दाना बनाने का प्रोसेस चल रहा है इधर पे। एक्चुअली इसके अंदर घुमा रहा है लिप्स को, और घूमते घूमते ये जो गोल गोल जैसा बूंद बूंद जैसा बनता है, और उसके बाद ये भर के इसमें डाल दे रहा है, और ये दूसरा प्रोसेसिंग के लिए चला जा रहा है। मैं अभी आया हूँ घर पे, मेरा पीछे प्रोसेसिंग चल रहा है चाय का, और इधर आते ही एक स्मेल महसूस हो रहा है, इधर फील हो रहा है कि ना चाय का अंदर में चाय का अंदर ऐसा फील हो रहा है, और चारी तरफ से चाय का स्मेल आ रहा है, इतना अच्छा उसको आ रहा है, मतलब फील हो रहा है कि मैं चाय मेरा सामने चाय बना के रखा गया है, ऐसा फील आ रहा है मेरे। और ये निकलने के बाद इधर पे स्टोर होता है बैग में, ये दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का चाय का अंदर आता है, ये जो बड़ा दाना होता है, और ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई होता है, ये फॉरेन में भी सप्लाई होता है। जैसे इधर का एग्जीक्यूटिव से मैं बात किया था कि बोल रहा है कि ये जो अभी जो ये जो पैकिंग चल रहा है ये एक्सपोर्ट होगा, फॉरेन कंट्री में ही एक्सपोर्ट होगा, ज़्यादातर अमेरिका और चाइना वगैरह में ये सब चला जाएगा प्रोडक्ट। गर्म महसूस हो रहा है, हाँ थोड़ा इसमें हॉट टेम्परेचर है, गर्मी लग रहा है, हाथ में भी फील हो रहा है, थोड़ा गर्म महसूस हो रहा है। ये प्रोसेस होके बांध के आ रहा है, फाइनली यहाँ पे पैकिंग के लिए सॉर्ट आउट कर रहा है, मतलब तीन टाइप्स का चाय निकलता है। इधर जो निकल रहा है ये सबसे जो बड़ा दाना होता है गोल गोल, और इसके बाद ये जो साइड से निकल रहा है ये उसका बाद नेक्स्ट लेवल का, मतलब इससे थोड़ा छोटा, और उधर का जो निकल रहा है ये एकदम डार्क वाला। तो तीन टाइप्स का क्वालिटी होता है, तो मैंने पूछा कि कौन सा सबसे बेस्ट होता है, तो बोल रहा है कि ये जो बड़ा दाना निकल रहा है और इसके बाद ये जो मीडियम वाला निकल रहा है तो ये दो सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है, और ये जो डास्ट निकल रहा है ये उससे क्वालिटी में थोड़ा कम होता है, मतलब इसका स्मेल थोड़ा कम होता है और टेस्ट थोड़ा कम होता है इसमें। स्मेल है ना इसमें,